हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम हमें बेसिकली कब यूज़ करनी है, जब कोई हमें हायर एक्सपेंशन पावर दी जाए, जैसे एक्स प्लस ए है। सपोज मेरा कोई टर्म है, मुझे उसमें एन पावर दे दी हाई। अब मैं उसे कैसे सॉल्व करूँ, तो वहाँ मुझे बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है। बायनोमियल थ्योरम का मैं आपको पहले सबसे पहले एक जनरल आर टर्म बता देता हूँ। तो डी टी ऑफ जो जनरल टर्म होता है वो होता है टी ऑफ आर प्लस वन, जिसकी वैल्यू होती है एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ये कब है, जब ए प्लस बी टू द पावर एन का एक्सपेंशन है, ये तब है। ए प्लस बी होल टू द पावर एन, ठीक है। अच्छा, एक जब एन पावर हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएगा कि अगर एन वो है तो एन प्लस वन पावर होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म अगर एन टर्म्स हैं तो एन प्लस वन टर्म्स होंगे, तो मिडिल टर्म एक ही होगा, विच इज एन प्लस टू बाई टू, तो ये मिडिल टर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर एन ऑड है तो दो मिडिल टर्म होंगे, तो वो आप गैस कर सकते हैं कौन से होंगे, एन प्लस वन बाई टू एंड एन प्लस टू एन एन प्लस वन बाई टू माइनस वन, तो ये दो टर्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमें एक ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होता है। ग्रेटेस्ट टर्म निकालना ही बहुत ईजी है। तो उसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म बेसिकली अगर हमें निकालना हो, तो ग्रेटेस्ट टर्म हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें जनरल टर्म निकालना हो। तो अगर हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं तो वी कैन ईजिली फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, इसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम कहाँ यूज़ होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। जब आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली क्या है, अगर एक्स वन से लेकर एक्स एन सबका सम है, उसका होल अगर हम पावर ले लें एन, तो वहाँ हमें जो टर्म्स वगैरह समेशन वगैरह फाइंड करना होता है, वहाँ हमें ये मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करनी होती है। ओके, इसके बाद बात कर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की क्या है, इफ अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी होल टू द पावर एन इज इक्वल्स टू कैपिटल आई प्लस स्मॉल एफ, दे वेयर आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एन बींग ऑड, देन आई प्लस स्मॉल स्मॉल एफ होल ब्रैकेट इन टू एफ इज इक्वल टू के टू द पावर एन। ये एक बहुत अच्छा यूज है, वेयर ए माइनस बी होल बी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ग्रेटर देन जीरो एंड अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन वन। तो ये एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बायनोमियल कोफिशिएंट की जो बहुत सारी प्रॉपर्टी डिराइव हो सकती हैं वो कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं बायनोमियल थ्योरम में जो हमारे यूज़ होती हैं। इसके अलावा बायनोमियल थ्योरम में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वो है उसका पीएनसी प्रोबेबिलिटी में यूज। जैसे प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सक्सेस और उसके ट्रायल होता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे एक सक्सेस उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है कि पी प्लस क्यू सपोज है, पी सक्सेस क्यू इज़ फेलियर। तो वहाँ पे हम जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि कॉइन्स है, उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स में कितने सक्सेस मिलेंगे कितने फेलियर मिलेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से बता सकते हैं। ओके, तो इसके अगर आप उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ फेलियर्स निकालना चाहें तो आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। थैंक यू।